हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपीएससी करंट अफेयर बेस्ट ऑफ पीआईबी। इसके अंतर्गत हम अक्टूबर महीने की बेस्ट पीआईबी जो है उसको डिस्कस करेंगे। जो ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये अक्टूबर महीने की पीआईबी है जो कि भारत सरकार की एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एक मतलब कि वेबसाइट है जिसके अंतर्गत ये अपनी सारी योजनाएं जो कार्य चल रहे हैं वो सब डालती है। तो दोस्तों, ये यूपीएससी जो 2018 का एग्ज़ाम है जो कि 3 जून को है, उसके अंतर्गत प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम बेस्ट ऑफ पीआईबी जो कि हमारे पास है कौन से महीने की, अक्टूबर की। दोस्तों, अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च तक की आपके सामने मैं प्रेजेंट कर दूंगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास अक्टूबर महीने की पीआईवी में क्या क्या है जो मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं अक्टूबर महीने की पीआईवी। दोस्तों, ये जो डिज़ाइन किया गया है ये पीआईवी को, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपके सामने रिप्रेजेंट में करने जा रही हूँ, ये अक्टूबर महीने की आपके सामने मतलब कि अक्टूबर 2017 की ये पीआईवी है जो कि विमल सर के द्वारा रिप्रेजेंट में कर रही हूँ। ये एडिटोरियल जो उसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट थे विमल सर ने कट करके मुझे दिए हैं ताकि मैं आप सब तक ये पहुँचा सकूँ जो इम्पोर्टेंट हैं। तो विमल सर के द्वारा ये कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला क्या है, हम पहले आर्टिकल को मतलब कि जो एडिटोरियल है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंतर्गत क्या है। तो देखिए, पहला क्या है कि मंत्रिमंडल ने जो है टेक्निकल इंटर्न्स ट्रेनिंग प्रोग्राम पर भारत और जापान के बीच MOC को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा कि मतलब कि किस पर मंजूरी दी गई है। तो टेक्निकल इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम पर जो है जापान और भारत के बीच जो है MOC ने मंजूरी दे दी है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेक्निकल इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम पर भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। टेक्निकल इंटरन ट्रेनिंग प्रोग्राम भारतीय तकनीकी प्रशिक्षकों को 3 से 5 साल की अवधि तक रोजगार प्रशिक्षण के लिए जापान भेजने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो आपसे अगर पूछ लिया गया कि ये किस किस के बीच हुआ है, तो भारत और जापान के बीच हुआ है क्या टेक्निकल इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये एक इम्पोर्टेंट था, बस हमें हमसे पूछ सकता है। दूसरा क्या है, चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा है कि मंत्रिमंडल ने स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए संकल्प और सर्टाइव योजना को मंजूरी दी है। तो देखिए, किस चीज़ को मंजूरी दी है, मंत्रिमंडल ने स्किल मिशन को बढ़ाने के लिए संकल्प और सर्टाइव योजना को मंजूरी दी है। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि जो संकल्प और सर्टाइव योजना है वो किस चीज़ के लिए है, तो वो स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए है। तो देख लेते हैं इसमें कितने पॉइंट हैं। तो दोस्तों, ये यहाँ तक है, बस 3 इसके अंतर्गत पॉइंट हैं, चलिए हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्या है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने वैश्विक बैंक समर्थित 6655 करोड़ रुपए की 2 योजनाओं आजीविका संवर्धन के लिए दक्षता हासिल करने और ज्ञान बढ़ाने मतलब कि ज्ञान को बढ़ाने औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु दक्षता सुगंधितीकरण योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। तो दोस्तों, ये कितने की होगी, 4,450 करोड़ की केंद्रीय परियोजित संकल्पना योजना होगी जो कि विश्व बैंक द्वारा 3,300 करोड़ रुपए ऋण की सहायता इसमें शामिल होगी, जबकि 2,200 करोड़ रुपए जो हैं केंद्रीय प्रायोजित सटाइव योजना इसमें विश्व बैंक से आयोजन की जाएगी। तो आधी राशि ऋण सहायता के रूप में दी जाएगी और संकल्प और सटाइव योजना का जो मतलब कि निष्कर्ष आधारित है जिसमें व्यावसायिक शिक्षा, तो देख लीजिएगा क्या है, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सरकार की कार्यान्वयन रणनीति को आदानों के साथ परिणामों से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, इसका ये एक उद्देश्य था। दूसरा देख लेते हैं क्या है कि इन दोनों ही योजनाओं का उद्देश्य दक्षता विकास प्रशिक्षण के लिए दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों मामलों में गुणवत्ता एवं बाजार की सार्थकता के दृष्टिगत संस्थागत सुधार लाना होगा।
अगला इसमें कि ये योजनाएं राष्ट्रीय दक्षता विकास मिशन 2015 और इसके विभिन्न उप मिशनों का अपेक्षित महत्व प्रदान करेंगी। ये योजनाएं मेक इन इंडिया, तो देख लीजिएगा ये योजनाएं किनको प्रोत्साहित कर रही हैं, मेक इन इंडिया और स्वच्छता अभियान जैसे भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अनुरूप है। और इनका उद्देश्य क्या, घरेलू एवं ओवरसीज आवश्यकताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी कार्यदलों को विकसित करना होगा। इसके बाद क्या है कि ये जो संकल्प का उद्देश्य क्या होगा, और इसका उद्देश्य एक ये होगा कि महिलाएं जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगों सहित हाशियों पर समुदाय को बड़े पैमानों पर समाज के इन सुविधाओं से वंचित एवं हाशियों पर वर्ग को दक्षता प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों हमने इसमें ये देख लिया है कि क्या क्या था दूसरे पॉइंट में। चलिए अब बात कर लेते हैं हम तीसरी स्लाइड की, जो तीसरी स्लाइड में देख लेते हैं क्या दिया गया है। तीसरी स्लाइड जो है ये 15 अक्टूबर 2017 को जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए और हमारे लिए, तो देख लेते हैं क्या है कि पर्यटन पर्व के दौरान एक धरोहर को अपनाना पहल। पर्यटन पर्व का 11वां दिन देश भर में मनाया गया, तो इसके अंतर्गत क्या था पर्यटन मंत्रालय, तो देखिए सांस्कृतिक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सक्रिय सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने एक धरोहर को अपनाया पहल के तहत विभिन्न धरोहर स्थलों स्मारकों को देश भर में फैले अन्य पर्यटन स्थलों पर विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाएं प्रदान करने की संकल्पना ली। तो देखिए दोस्तों इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं था, बस एक धरोहर के रूप में, मतलब कि पर्यटन को हमने एक धरोहर के रूप में अपनाया है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है जो 16 अक्टूबर को आपके सामने बताया था पीआईबी में, तो वो क्या था कि श्री राधा मोहन सिंह ने पायनियर प्रोजेक्ट चयन चमन की समीक्षा की। तो देखिए इसमें हमें जानना होगा कि ये पायनियर प्रोजेक्ट चमन क्या है, इसकी शिक्षा मतलब क्या है, ये समीक्षा की है, तो देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो चमन नामक एक अग्रामी परियोजना है जो कि 3 साल पहले नई सरकार द्वारा शुरू की गई थी, यह परियोजना महाल नोविस नेशनल क्रॉप फॉरकास्ट सेंटर द्वारा रिमोटिंग सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कार्यान्वित की जा रही है और मार्च 2018 में पूरी होने की संभावना है। इसके बाद क्या है, इसके अंतर्गत कि चमन एवं पायनियर परियोजना है जिसमें किसान की आय बढ़ाने के लिए, देखिए क्या है पायनियर प्रोजेक्ट चमन योजना क्या है, इसके अंतर्गत देखिए कोई किसान है, माना कि वो आलू बो रहा है, उसके खेत में आलू है और आलू से आप समझ सकते हैं कितना 10 रुपये किलो या 15 रुपये किलो वो बिकता है, तो इसको मतलब कि उसकी आय बागवानी को बढ़ाने के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने एक पायनियर प्रोजेक्ट चमन योजना की है जिसमें क्या किया जाता है कि जो किसान है उसको वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर कोई भी खेती मतलब कि सिखाई जाती है, आप इस खेती को ऐसे कीजिए, इस तरीके से कीजिए ताकि आपका कम क्षेत्र में भी आप ज़्यादा प्रोडक्ट कर सकें, वो ज़्यादा उत्पादन कर सकें। तो इसके अंतर्गत पायनियर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत क्या है कि उनको जो है तकनीकी का प्रयोग करके महत्वपूर्ण बागवानी फसलों को विश्वसनीय अनुमान तैयार करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। तो हमारे यहाँ पर जो यूज़ की जाती है वो एक सिंपल पद्धति यूज़ की जाती है, कोई इस तरह की पद्धति यूज़ नहीं की जाती है। तो पायनियर प्रोजेक्ट पद्धति में क्या है कर रहे हैं हम बागवानी क्षेत्र पर और कृषि क्षेत्र पर जो है वैज्ञानिक तरीके से उसको प्रोत्साहन कर रहे हैं, किसके लिए, खेती के लिए, मतलब कि बागवानी और फसल के लिए। चलिए पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों, ये वीडियो में मात्र 10 से 12 मिनट की ही रखूँगी और हम देख लेते हैं कि हमको कितना इसमें कितने पॉइंट हैं हमारे पास। आप देख सकते हैं कि कितने हैं, 9, 10, 11 वीडियो में मैं ये कम्प्लीट करा ही दूँगी सब, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो पॉइंट है हमारे पास वो ज़्यादा नहीं है, केवल 9 ही ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे एग्जाम से जो हैं रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे, सारी पीआईबी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये एक पूरी पीआईबी का हमने क्या निकाला है, निचोड़ निकाला है। तो चलिए देख लेते हैं आगे दोस्तों, थोड़ी 12 मिनट से ऊपर ये वीडियो जा सकती है, तो आपकी इच्छा हो तो एंड तक देखिए क्योंकि यूपीएससी स्टूडेंट के लिए पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन पुटअप हो जाए। चलिए पांचवी पॉइंट क्या है कि फुटवियर डिज़ाइन एवं विकास संस्था को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।
फिर से देख लीजिएगा कि फुटवियर डिज़ाइन एवं विकास संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। तो इसमें क्या है कि फुटवियर डिज़ाइन एवं विकास संसाधन को भारत सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया है। इसमें क्या है कि FDDI फिलहाल भारत भर में फैले 8 परिसरों में लगभग 2,500 छात्रों को फुटवियर, चमड़े के सामान, खुदरा और प्रबंधन के क्षेत्र में कौशल आधारित स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे। तो देखिए फुटवियर माने क्या होता है, जो हम चप्पल उप्पल पहनते हैं, जूते उते पहनते हैं दोस्तों, उसको हम फुटवियर कहते हैं। तो इसमें क्या है कि डिज़ाइन एवं विकास संस्थान को हमने राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, मतलब जैसे कि पहले साइंस आर्ट से ग्रेजुएशन होती थी, इस तरीके से अब जो है इसमें कौशल स्नातक होगी, जिसके अंतर्गत छात्राओं को मतलब कि कार्य करना सिखाया जाएगा, जिसमें मतलब अभी लगभग कितने स्टूडेंटों के लिए किया है, 2,500 छात्रों के लिए ये किया गया है। तो इसमें आगे क्या पॉइंट है देख लेते हैं। FDDI को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिलने जाने के बाद यह संस्था अब अपने 12 परिसरों में आगामी दाखिला सत्र में 2,500 और अधिक छात्रों का नामांकन करने में समर्थन हो जाएगा। इसमें 4 नए परिसर अगले सेक्शन सत्र में कार्यरत हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट था, और वो भी क्या कि इसमें कौन सी संस्था ये करा रही है। इस तरीके से पॉइंट वन के फुटवियर डिज़ाइन जो है एक विकास संस्थान को भारत सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कौन से मंत्रालय के अधीन आ रहा है। पहला पॉइंट तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है फुटवियर डिज़ाइन विकास संस्थान। फिर बता दे रही हूँ वाणिज्य एवं उद्योग, तो देखिए उद्योग से आप याद कर सकते हैं, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महत्व संस्थान घोषित किया गया है। आगे है कि FDDI फिलहाल भारत भर में लगभग 8 परिसरों में लगभग 2,500 छात्रों को, तो ये दूसरा पॉइंट बन जाता है। तीसरा पॉइंट क्या बन जाता है दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये बन जाता है कि इसमें मतलब कि FDDI को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिले जाने के बाद, तो इसमें क्या उसको मिला है दर्जा या नहीं मिला है, तो ये तीसरा पॉइंट बन जाता है। इसी तरीके से ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री आपके लिए कौन सा सही है। बढ़ते हैं आगे। रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने INS किल्टन को नौसेना में शामिल किया है, तो देख लेते हैं ये कौन है और क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इनके बारे में क्या है कि रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 16 अक्टूबर 2017 को नौसेना डॉक यार्ड विशाखापट्टनम में संपन्न एक भव्य समारोह में INS क्विंटन तीसरी एंटी पनडुब्बी वर्ल्ड फेयर, जिसे प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाया गया है, को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। तो किसको समर्पित किया है, प्रोजेक्ट 28 जो कि क्या है, कॉमर्ट क्लास के तहत बनाया गया है। तो दोस्तों इसमें ये आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि प्रोजेक्ट 28 जो है वो किस में शामिल किया गया है, नौसेना में शामिल कर दिया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सातवां पॉइंट क्या है कि I am Dead Woman अभियान, तो देखिए ये I am Dead Woman अभियान क्या है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि महिलाओं के खिलाफ महिलाओं के लिंग पूर्वग्रह खत्म करने के लिए एक प्रयास के रूप में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने I am Dead Woman ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के माध्यम से मंत्रालय महिलाओं की मदद के लिए खड़ी होने वाली महिलाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि I am Dead Woman अभियान के अंतर्गत, जैसे कि कोई महिला गर्भवती है, अब वो महिला जो है लिंग परीक्षण कराने जा रही है कि उसको लड़की है लड़का है, तो उनके खिलाफ ये अभियान है कि नहीं, आपके पेट में जो भी गर्भ है, जो भी आप आपके पेट में है, आपको उसको चाहे लड़की हो या लड़का हो समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए, आपको उसे उस धरती पर लाना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन क्या है आने वाले समय में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 8, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने CIPAM की वेबसाइट का शुभारंभ किया है, तो देख लेते हैं ये है क्या और इसके अंतर्गत क्या क्या है। तो देख लेते हैं दोस्तों,
वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने आज यह औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के आईपीआर संवर्धन और प्रबंधन सेल की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के प्रभाव कार्यान्वयन के लिए डीआईपीपी के अंतर्गत सीआईपीएम का गठन किया गया है। यह वेबसाइट संवादात्मक एवं वेबसाइट का विभिन्न आईपीआर के लिए दिए गए आवेदनों, जांच अनुदान और निमटने के आंकड़ों जैसे नवीनतम आईपी ट्रेड पर नियमित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो देखिए, इसमें जानकारी के बारे में है कि आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, ये लास्ट स्लाइड है जिसके अंतर्गत मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या है ये लास्ट स्लाइड में। इसमें है कि साथ ही लघु उद्योगों की सहायता के लिए प्रभावी कपड़ा प्रौद्योगिकी का टिकाऊ एवं त्वरित अंगीकरण। तो कपड़ा मंत्रालय एवं बीज मंत्रालय ने एक नई पहल साथी। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा आपको दोस्तों, यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है। पहला क्वेश्चन पूछेगी, पहला पॉइंट डालेगी कि जो कपड़ा साथी योजना के बारे में दे देगी, साथी क्या है, साथी में क्या क्या होता है। तो इसमें आएगा कपड़ा मंत्रालय एवं बीज मंत्रालय ने एक नई पहल। तो ये किसकी है योजना दोस्तों, ये योजना जो है कपड़ा मंत्रालय एवं बिजली मंत्रालय ने नई पहल साथी। तो देखिए, साथी का मतलब क्या है कि भाई आपने चमक धमक वाले कपड़े पहने, आप पार्टी में गए हैं, ठीक है, लाइट नहीं आएगी तो आपके कपड़े कैसे दिखेंगे, तो आप इस साथी को कैसे यूज कर सकते हैं कि साथी कपड़ा पहनेंगे तो रात में बिजली की चमक में ही तभी दोनों साथ साथ दिखेंगे, मतलब बिजली की रोशनी में कपड़ा दिखेगा, ऐसे आप यूज कर सकते हैं साथी योजना को। तो लघु उद्योगों की सहायता के लिए प्रभावी कपड़ा प्रौद्योगिकी का टिकाऊ एवं त्वरित अंगीकरण के लिए हाथ मिलाया है। इस पहल के अंतर्गत बिजली मंत्रालय ने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड थोक में ऊर्जा दक्ष बिजली के चलने वाले करधे मोटर एवं रिपेयर किट की खरीद करेगी और उन्हें बिना किसी आग्रामी लागत के लघु एवं मझोली इकाइयों को उपलब्ध कराएगी। देखिए दोस्तों, जो छोटे व्यापारी होते हैं जो कपड़ा बनाना चाहते हैं पर उनके पास उपकरण नहीं है, तो उनको सस्ती दर पर जो है उन व्यापारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की साथी पहल का कार्यान्वयन अखिल भारतीय आधार पर संयुक्त रूप से EESL एवं कपड़ा आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जाएगा। तो आपको ये भी पॉइंट याद होना चाहिए दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए। इन उपकरणों की खरीद के लिए ना तो किसी आग्रामी पूंजी लागत निर्धारित की जा सकती है और ना ही पुनः भुगतान के लिए अतिरिक्त वाक्य निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि EESL को पुनः भुगतान उस बचत से किया जाएगा जिन्होंने उच्चतम सक्षम उपकरणों तथा लागत में बचत के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं हमने आज क्या क्या देखा। तो दोस्तों, देख लेते हैं पहले पॉइंट में क्या था। पहला था कि मंत्रिमंडल ने टेक्निकल इंटरेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम और भारत के जापान के बीच जो थी MOU पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरा था, मंत्रिमंडल ने स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए संकल्प और सटाइवा योजना को मंजूरी दी। तीसरा क्या है कि पर्यटन पर्व के दौरान एक धरोहर को अपनाना, जिसमें क्या है 11वां देश दिन भर मनाया गया। अगला है कि श्री राधा मोहन सिंह ने पाइनियर प्रोजेक्ट चमन, देखिए छोटे छोटे पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा कि पाइनरी प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है दोस्तों। अगला है कि फुटवियर डिज़ाइन एवं विकास संस्था को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। अगली पॉइंट है इसमें कि रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने INS क्विंटन को नौसेना में भर्ती किया, जिसमें प्रोजेक्ट 28 भी शामिल किया गया। अगला है आई एम द बेस्ट वुमेन अभियान, जिसमें बस हमें याद रखना है कि मतलब कि ये क्या है, इसके अंतर्गत जो है क्या क्या किया गया है, ठीक है। अगला है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने CIPAM की वेबसाइट का शुभारंभ किया है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। लास्ट साथी जो योजना है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमने किसके बारे में बताया कि ये कपड़ा मंत्रालय एवं बिजली मंत्रालय द्वारा साथ साथ में की जा रही, जिसके अंतर्गत हम क्या कर रहे थे, जो लघु उद्यमी थे, जो मतलब छोटे लघु व्यक्ति थे, जो लघु मंझोले इकाइयों पर उपलब्ध कर सके अपने उपकरणों को, जिसके द्वारा वे क्या कर सके कि कपड़ा बना सके और वे मशीनें उपलब्ध हों जो इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च करें। तो दोस्तों, आज की PIB जो कि
आपके पास और पूरे अक्टूबर महीने की थी, जिसमें हमें लगा कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, तो हमने आपको बताए और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी दोस्तों सारी PIBA का निचोड़ आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, कहीं से ऐसा नहीं हो कि आपका कोई क्वेश्चन चुके। तो ये PIBA की पहली वीडियो थी, दूसरा पार्ट मिलेगा आपको नवंबर महीने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो दोस्तों अक्टूबर महीने की ये PIBA कंप्लीट हो चुकी है एंड मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भारत सरकार या जो भी स्कीम है, जो भी भारत सरकार कर रही है, उसे फॉलो कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल नए महीने और नई PIBA के साथ, मतलब नवंबर महीने की PIBA के साथ हम मिलते हैं, इसका पार्ट नंबर 2 आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।